कोई भी व्यक्ति जिसको लगातार खांसी बनी हुई है या सूखी खांसी से पीड़ित है उसको सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। सीतोपलादी चूर्ण 2.5 ग्राम से 5 ग्राम तक की मात्रा में शहद में मिला करके आप सुबह शाम सेवन करेंगे। सीतोपलादी चूर्ण का निर्माण आप घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा मिश्री, वंशलोचन, पिपली, इलायची एवं दालचीनी। सबसे पहले आपको मिश्री लेना है। मिश्री से आधी मात्रा में आपको वंशलोचन, वंशलोचन से आधी मात्रा में पिपली, पिपली से आधी मात्रा में इलायची एवं इलायची से आधी मात्रा में दालचीनी। इस तरह से आप ये 5 द्रवों को इकट्ठा कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आप जो मैंने रेशियो बताया उसमें आप तैयार कीजिए और ये कॉम्बिनेशन को हम सीतोपलादी चूर्ण का नाम देते हैं। वो कोई भी व्यक्ति जिसको हमेशा से खांसी बनी हुई है या सूखी खांसी से बहुत अधिक परेशान है वो यदि इस चम्मच सीतोपलादी चूर्ण का 1 चम्मच जो है सुबह शाम शहद में मिला करके सेवन करता है तो उसको जो है अद्भुत लाभ मिलता है, एक चमत्कारिक लाभ मिलता है।